हैं जॉर्ज एवरेस्ट पे, और सामने मैं जूम करके आपको दिखाऊं, दिस इज भद्राज टेम्पल। वो यहाँ पे वैन खड़ी है ना, यहाँ पे कभी किसी दिन कुछ साल पहले जब ये सब कॉमर्शलाइज नहीं था, ये जाली वाली नहीं थी, यहाँ मेरी गाड़ी खड़ी थी, सामने हमने कैंप किया था। अब देखो सब कुछ कितना बदल गया, रिकंस्ट्रक्शन है सब कुछ, है ना, नेचुरल ऐसा है नहीं है, वो भी ऐसा नहीं है जॉर्ज हाउस जो था, बट अब जो नई जनरेशन है वो इसी के मजे लो भाई। अब आप गैस करो कितने का होगा ये रूम। तो भाई ये जो रूम हमें पड़ा है ना, पीक सीजन चल रहा है, जून जुलाई का मंथ है, और कभी भी आप ऑनलाइन भी सर्च कर लेना नेट पे। हेलो 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 मेरे प्यारे दोस्तों, तो भाई एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है, ठीक है भाई। और अभी मैं ऑन द वे हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, और अपनी एक्सयूवी से हम लोग जा रहे हैं मसूरी साइड। अभी ये नहीं बताऊँगा वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, मसूरी साइड जा रहे हैं, और मैं आपको सब दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन सी जगह बेस्ट है मसूरी में घूमने के लिए, और कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, और कौन कौन सी जगह क्या क्या ऑफ़र करती है आपको, मतलब जगह है ढंग की कि नहीं, या फिर सब इंस्टाग्राम पे ऐसी फैला रखा है कि 10 प्लेसेस मस्ट विजिट इन मसूरी, तो वो सब सच्चाई होती है। वो तो क्या यार क्लिप्स लेके अपना एडिट करके डाल दो, बट जो हकीकत होती है वो तो कुछ और होती है ना, हकीकत तो हम ही दिखा सकते हैं बस। फिलहाल मैं जा रहा हूँ अभी थोड़ा फ्रेंड्स को उठाने, फ्रेंड्स को उठाएंगे फिर वहाँ से हम डायरेक्ट निकलेंगे मसूरी, ठीक है गाइस, ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए इस ब्लॉग के साथ। मेरा नाम है दिव्यांशु, आप देख रहे हैं मल्टी स्टार ब्लॉग्स, लेट्स रॉक एंड रोल। अपना पूरा वो रखा था, पीछे रखा है पूरा, चार रुपये चेक कर लियो। हवा 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 ही यार, आजकल इतनी समस्या आ गई ना टायर की, मतलब टायर ऐसे हो चुके हैं, वो रेडियल टायर वो जो है ना सिस्टम वाला, वो वाला तो ऐसा हो चुका है साला, मतलब जब भी हर 2-3 दिन बाद ना हवा भरवानी पड़ती है, निकल लीक साली हो ही जाती है, पता नहीं क्या सिस्टम है, समझ में नहीं आता। टीपीएम होना बहुत ज़रूरी है यार गाड़ी के अंदर ना, मैं एक समझता हूँ, और हो सकता है मैं लगवा लूँ जल्दी एक टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम, एक लगवा लिया जाए यार, वो ज़रूरी है, क्योंकि अभी एक पीछे वाला जो टायर था उसमें बिल्कुल हवा कम थी और पता ही नहीं था। अब मैंने उतरा मैं पेट्रोल और तेल डलवाने के लिए, डीजल डलवाने के लिए, तब पता चला मैंने कहा यार ये तो लफड़ा वर्क है, फिर भरवाई हवा उसमें। तो आजकल यार टायर ना कुछ ऐसे ही आ चुके हैं, मज़ा नहीं रहा अब, ये रेडियल फेडियल कर करके ना ये टायर हवा निकलती रहती है, पता नहीं क्या दिक्कत है यार कुछ, या तो मेरे टायरों में कुछ प्रॉब्लम होगी। कमेंट करके बताओ ये आपको भी अगर ऐसी समस्या आ रही है तो। तो भाई देखो सबको उठा लिया है अपने दोस्त यारों को, ये देखो पीछे कितने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बच्चे, कोई बात नहीं एडिटिंग कर देंगे हम, कटिंग कर देंगे इसकी, ये देखो भाई हमारे दोस्त लोग। तो गाइस हम मसूरी जा रहे हैं आज। अच्छा और बताओ कुछ, और हमें फिलहाल रूम का कुछ पता नहीं, हो सकता है हम गाड़ी में ही सोए, कोई करो डाउनलोड गाड़ी का फायदा उठाएंगे। तो भाई दोस्तों आप पहुंच चुके हम देहरादून, और देहरादून से भाई 1-1.5 घंटे का लगभग रास्ता लगता है, क्योंकि आजकल जाम बहुत है, देखो देहरादून में भी और मसूरी में जाम बहुत मिलने वाला है, तो टाइम और बढ़ जाता है। और देहरादून में हम रुके थे तो देहरादून की लीची फेमस है, लीची, तो भाई आप भी अगर देहरादून आओ तो लीची ज़रूर लो, ये आपको 100 से 150 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाएगी। ये देखो चल रहा है काम, छिलाई तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मीठी होती है देहरादून की लीची, बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आप भी ट्राई करें ज़रूर। अब देहरादून पहुंच गए हैं, देहरादून से भाई ऊपर अपना चलना स्टार्ट कर दिया है, और ये रास्ता जो है ना ये वो वाला रास्ता नहीं जिसपे सब लोग आप आए होंगे और आपने देखा होगा कि देहरादून से सीधा जाते हैं और बीच में एक ही स्टार्टिंग पेट्रोल पम्प पड़ता है, राजपुर रोड से होते हुए जाते हो, ये वो वाला रास्ता नहीं है, ये कुछ अलग रास्ता है, रास्ता चेकआउट करो आप एक बार, और कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस ने ये रास्ता देख रखा है, क्योंकि ये जो रास्ता है ना ये एक तो बहुत लिमिटेड लोगों को पता है, और स्पेशली जो लोकल लोग हैं बहुत तो वही इसको प्रेफर करते हैं, और ये जो रास्ता है ना ये सीधा आपका जाता है जॉर्ज एवरेस्ट, ये मसूरी नहीं होगा, लाइब्रेरी चौक वगैरह नहीं जाएगा, माल रोड वगैरह नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट आपका जॉर्ज एवरेस्ट ज्वाइन करता है सीधा देहरादून से। और अगर आप इससे जाना चाहते हैं भाई तो संपर्क करें मेरे से।
कमेंट करो, पूछो मेरे से, मैं बताता हूँ आपको, ऐसे नहीं बताऊंगा, ठीक है भाई? तो कमेंट करो अगर पूछना है तो, मैं आप इसको आपको बताता हूँ कैसे कैसे जाना है। और ये रास्ता भाई उससे बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट है, वहाँ सारे टूरिस्ट वहीं से जाते हैं, और वहाँ का तो वहाँ कुछ नहीं, वहाँ शॉप वगैरह हो गई, होटल वगैरह हो गए, वहाँ नेचर कुछ नहीं रहा बिल्कुल भी, नेचर सब डिस्ट्रॉय हो चुका है वहाँ पर। बट इस रोड पे जैसा नेचर होना चाहिए वैसा एज इट इज है, थोड़ी पतली रोड है बट नेचर और यहाँ का जो मजा है वो अलग ही है उससे बिल्कुल। यहाँ फूल वगैरह आपको और ग्रीनरी फुल फुल दिखेगी, एक बार चेकआउट दोबारा करो। तो ये ऐसा आपको रास्ता दिखने वाला है, और ये उससे टोटली डिफरेंट है भाई, ये अमेजिंग रास्ता बिल्कुल। ओके चलते हैं फिर ऊपर, और ऊपर चल के फिर दोबारा बात करेंगे। आज भी रात को अगर आप यहाँ रह जाते हो अकेले, और यहाँ पे बहुत सारे प्री वेडिंग शूट्स भी होते हैं, पर रात को अकेले आप जाओगे तो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस है, और यहाँ पे अभी भी उनकी आत्माएं घूमती हैं। भाई पहुँच चुके हैं, अपना गाड़ी खड़ी, और ये पुराना स्टाइल पत्थर रखने का जो हमारे पिताजी करा करते थे पहले पुराने ज़माने में, तो ये भी हम फॉलो कर रहे हैं साथ के साथ। और भीड़ थोड़ी है लगी हुई, जोर एवरेज थोड़ा दूर है तो ट्रैकिंग करते हुए जाना पड़ेगा, सीज़न चल रहा है ना फिलहाल इसलिए। देखो लाइन लग रही है पूरी दूर दूर तक। तो ये एक्चुअली जो धूप यहाँ पर हो रही है ना भाई, ये धूप ऐसी हो रही है जो कि होनी चाहिए हमारे नीचे भी प्लेन एरिया में, पर अब धूप हमारी ख़त्म हो चुकी है, अब वो क्लाइमेट भी ख़त्म हो चुका है, तो वो धूप मिलती ही नहीं अब जो कि मिलनी चाहिए। पर ये पहाड़ों में है वही वाली जो पुराने ज़माने में हुआ करती थी प्लेन में भी, इसका आनंद अलग ही है, ये हेल्थ के लिए बढ़िया है बिल्कुल। भाई अभी जॉर्ज एवरेस्ट जाने से पहले हमने सोचा कुछ पेट पूजा कर लेते हैं। भाई लीची खा रहा तब तक उनने कहा कि अभी खाना आ रहा, पर हमें पराठे ऑर्डर किए हैं, मेन्यू चेकआउट करो ठीक है, फोकस करके जूम करके करना। और यहाँ आके अब ये जॉर्ज एवरेस्ट जैसे आप जाओगे रास्ते में, सबसे पहला आपको जो रेस्टोरेंट पड़ेगा वो ये पड़ेगा ठीक है। ये है क्या लिखा हुआ, नाग नॉन स्टॉप रेस्टोरेंट है भाई, ये नॉन स्टॉप रहता है ठीक है, यहाँ आ जाना। और पराठे बढ़िया आपको बहुत अच्छा व्यू बन मिल रहा है, यहाँ पे प्री वेडिंग शूट वगैरह चलते रहते हैं भाई आए दिन, वो भी देख सकते हो आप, और बहुत कश्मीर जैसा फीलिंग आ रही है। भाई कैसा लग रहा है, फर्स्ट टाइम आया ना? फर्स्ट एक्सपीरियंस। कैसा लग रहा है? बढ़िया, अभी भी अभी से बढ़िया लगने लग गया, देखा कुछ आया नहीं, देखा कुछ आया नहीं। झूठ बोल रहा है इसका मतलब, ये सही था। The boys. The boys. The boys. ये आ गया हमारा पनीर पराठा मिक्स वेज, ये बड़ा रहा वो साथ में चारों चाय। चलो भाई खा लेते हैं, खा के फिर बात करते हैं। तो अभी हमारा रास्ता स्टार्ट हो चुका है, वो देखो बैरिकेड लग रखा है। पहले जब हम आते थे, मैं अभी पिक्स भी शेयर कर दूंगा इस व्लॉग में ही साथ में ठीक है भाई, पहले जो ये रोड अभी बढ़िया कर दिया, अभी गवर्नमेंट ने अंडरटेक कर दिया इसको, नहीं तो पहले भाई अलग ही ऑफ रोडिंग होती थी, यहाँ पर गाड़ी भी जाती थी बाइक भी जाती थी, वो मज़ा अलग ही था, एकदम रॉ फील। बट अब ये टूरिस्ट प्लेस बन चुकी है, सब आ रहे हैं, गवर्नमेंट ने अंडरटेक कर लिया है, ट्रैकिंग करके जाना पड़ता है, नहीं तो भाई हम तो सीधा गाड़ी ले रहे हैं। फिर पूरा मड रहता था, ऑफ रोडिंग 4x4 जो मज़ा था अब नहीं। चलो वो यहाँ पे वैन खड़ी है ना, यहाँ पे कभी किसी दिन कुछ साल पहले जब ये सब कॉमर्शलाइज नहीं था, ये जाली वाली नहीं थी, यहाँ मेरी गाड़ी खड़ी थी, सामने हमने कैंप किया था, अब देखो सब कुछ कितना बदल गया है। फ़ोटोज़ भी मैं शेयर कर दूँगा आपके साथ अगर मुझे मिली तो, गैलरी में होपफुल मिली जाएगी, बट फिर भी चलो। खैर वैसे इंडिया में मोस्टली ऐसा ही होता है, जिस भी स्पॉट पे आप जाना स्टार्ट करोगे या हिडन प्लेस हो या ऐसी कैसी भी जगह हो, तो उसको गवर्नमेंट अपने अंडर में कर ही लेती है। तो कोशिश ये की जाए कि जहाँ भी आप जा रहे हो वो सोशल मीडिया पे ना डालो, या एकदम ऐसे उसको शेयर नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो सबके नज़रों में आती, सब जितने लोग जाने लग जाएंगे वहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद गवर्नमेंट देखेगी कि यहाँ भीड़ हो रही है, दबा दो इसे प्रॉपर्टी को, तो यही चीज़ होती है। वो देखो सामने लंगूर पेड़ पे शीला जीत। अब यहाँ पर पूरी प्रॉपर वॉल हो गई,
और ये रिजॉर्ट विजॉर्ट, ये एवरेस्ट बेस कैंप बन गया, वहाँ पे हमारा कैंप हुआ करता था पहले। ये लैंड बिल्कुल ऐसा था, अब सब एक्वायर हो गया यार, मज़ा सारा ख़राब। देखो भाई रास्ते में जाते जाते, ये अभी हम जा रहे हैं जॉर्ज एवरेस्ट पे, और सामने मैं जूम करके आपको दिखाऊं, दिस इज़ भद्राज टेम्पल, जो कि आपको सोशल मीडिया वाले सब दिखा रहे हैं, जॉर्ज एवरेस्ट, भद्राज, दलाई हिल्स। तो यहाँ से इसका बहुत तगड़ा व्यू आता है, यहाँ पे भी हम जाएंगे आज या कल में, होपफुली देखते कब टाइम मिलता है। भाई ये रहा हमारा जॉर्ज एवरेस्ट भाई सारा, देखो एक पूरा राउंड व्यू दे देता हूँ आपको, ये देखो ठीक है, ये सारी शॉप्स वगैरह हैं, यहाँ पे आप खा पी सकते हो आराम से। और वो रही हमारी पीक जॉर्ज एवरेस्ट वाली, वहाँ पे आप जा सकते हो बाय ट्रैकिंग। ये कम से कम आपको वहाँ से आनी ऊपर नीचे टोटल आपको टाइम 1.5 घंटा लग जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा जाने में, फिर थोड़ा आने में, फिर वहाँ जो आप रुकोगे उसके लिए भी, ठीक है। तो ये आप टाइम निकाल के जा सकते हो। हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि आज जरा मौसम कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, ना क्लाउड नीचे हैं ना ऐसा कुछ है स्पेशल, तो आज सोच रहे हैं ना ही जाएं, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो आज नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ खास व्यू भी नहीं है, बस एक तो जैसे माउंटेन के चारों तरफ व्यू है वो आने वाला है, और प्लस जो हमें यहाँ से व्यू नज़र आ रहा है, यहाँ से मेरे पीछे से जो आप झाँकोगे तो वहाँ से नज़र आ रहा है, वो ये इतना कुछ खास है नहीं भाई। ये है देखो असली मज़ा नेचर का, देख रहे हो जो घाटी से हवा आ रही है ना अपने पास, आनंद है भाई। देखो आप समझ पा रहे होंगे इस व्यू को और इस हवा जो चल रही है इस टाइम, वो जो जब स्पीक है सामने, थोड़ी सी आगे आप आ जाओ हेलीपैड जहाँ पर, वहाँ आ जाओ और वहाँ आके आप इस चीज़ का आनंद ले सकते हो आराम से, वहाँ भी आप बैठ सकते हो। देखो ऊपर जहाँ फोटो वोटो चल रही, मज़ा कुदरत नेचर अल्टीमेट। देखो वो सामने जॉर्ज एवरेस्ट पीक है, और मैं आपको एक अगर पिक मेरे को मिली ना पुरानी, तो मैं दिखाऊंगा आपको सनराइज की, खतरनाक। देखो यार सारा रेनोवेट कर दिया ढंग से, सब रिकंस्ट्रक्शन है सब कुछ, है ना, नेचुरल ऐसा है नहीं है, वो भी ऐसा नहीं है जॉर्ज हाउस जो था, बट अब जो नई जनरेशन है वो इसी के मजे लो भाई। भाई अब सुबह से लेके अब गाड़ी रेस्ट करी है, जाम इतना हो रहा है भाई, अपने होटल तक पहुंचने में इतना टाइम लग गया मैं कि बस क्या ही बताऊं भाई, पूरा स्ट्रेस्ड हो चुका हूं। अब अपना आराम से वेट कर रहा हूं, जरा एक दोस्त आ रहा है और फिर जाएंगे हमने होटल, फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे भाई, बहुत हैप्टिक हो गया। सीज़न में मसूरी आना, अभी यहाँ खड़ा हूँ मैं, लैंडोर जा रहा रास्ता। ये रूम हमें मिला है, ठीक है दिखा रहा हूँ मैं, पूरा फुल चेकआउट करो, ठीक है टीवी भी है सब कुछ है। अब आप गैस करो कितने का होगा ये रूम। तो भाई ये जो रूम हमें पड़ा है ना, पीक सीजन चल रहा है, जून जुलाई का मंथ है, और कभी भी आप ऑनलाइन भी सर्च कर लेना नेट पे क्या टैरिफ चल रहे हैं होटल्स के, ये रूम सिर्फ हमने 1000 रुपीज़ में लिया है, 1000 रुपये में सिर्फ, अब देख लो आप, ठीक है। और ये लोकेशन कहाँ, ये लैंडोर से बिल्कुल पास है, बिल्कुल नज़दीक है, लैंडोर में ही मान लो एक तरीके से, वहाँ पड़ती है ठीक है। और गीज़र वीज़र सब बढ़िया, सब कुछ बढ़िया है। वॉशरूम मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो वॉशरूम है, गीज़र वगैरह सब कुछ है यहाँ पर, ठीक है। और ये अपना एक व्यू वाला भी सिस्टम है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रूम, और ओनली 1000 रुपीज़ में। तो जी हो चुकी हमारी सुबह, गुड मॉर्निंग, और अब गाड़ी निकाल के चलते हैं, देखते हैं कहाँ हम जाते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम कहाँ का है, हो सकता है भद्राज जाए या कोई वाटरफॉल जाए, देखते हैं कहाँ जाते हैं। फिलहाल सांस सी फूल रही है थोड़ी, तो कट करते हैं उधर जाना जैन पलटा दे, अरे तू निकल पीछे। दोस्तों
मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरी YouTube फैमिली, आप व्यू देखो, नज़ारे देखो। और भाई कोशिश करना गाड़ी से मत आओ मसूरी, अगर आओ तो भाई ऐसी जगह अपना खड़ी करो आराम से, और फिर आराम से अपना घूमो, अपना पैदल वॉक करते हुए, नहीं तो गाड़ी ऐसी फंसेगी दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो भाई अब आ चुके हम फाइनली अपने शहर में वापस, और सही दिख रहा हूँ मैं? और जी भाई बहुत भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा, और मौसम ऐसा कोई स्पेशल नहीं था ऐसा कि हम बदराज टेंपल जाते, ठीक है, क्योंकि वो क्लाउडी वेदर वो चाहिए, क्योंकि जो व्यू हमने जॉर्ज एवरेस्ट में देखा वही सेम व्यू हमें बदराज में मिलने वाला था, इसलिए बदराज नहीं गए। बट बहुत ही जल्द जाएंगे क्योंकि मानसून आने वाला है, उसके बाद क्लाउडी वेदर जो रहता है ना, जो बादल उड़ते हैं वहाँ पे, उसका मज़ा आएगा तब, ठीक है। और जिस रिकमेंड भी मैं ये करूँगा, जिसको जाना हो बदराज अगर और व्यू का मज़ा लेना और क्लाउड का मज़ा लेना है, तो नेक्स्ट मंथ जब बारिश है मानसून आ जाए उसके बाद जाओ, उसका मज़ा अलग ही आएगा, ठीक है। तो अब आ गए हैं फाइनली, और अभी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, किसी टीम चेक करो, खाना वाना खा रहे हैं, और बस कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, इसी के साथ ख़त्म।